हेलो गाइस, वेलकम बैक टू आवर चैनल। आई एम जॉली एंड आई एम निकिता। कैसे आप सब? आई होप आप बहुत अच्छे हो। सो गाइस, आज हम रिएक्शन देने जा रहे हैं जिसका टाइटल है रियल स्टोरी ऑफ एर्थरूल्स ग्रैंड सन ओरहान गाजी। सो गाइस, हमें इनके बारे में तो कोई आइडिया नहीं है, कोई कुछ भी नहीं हमें पता है, बट हमने सोचा क्यों ना हम इनके बारे में जाने। हमने आई थिंक ड्रामा में भी नहीं देखा है ना, और ओस्मान के ये बेटे हैं तो ऑब्वियसली इनकी भी हिस्ट्री अच्छी होगी बहुत ज्यादा। सो गाइज, देखते हैं ये वीडियो कैसी होती है। वीडियो को शुरू करने से पहले हमारी वीडियो को लाइक शेयर कमेंट जरूर करना, और गाइज प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। और अगर आपने अभी तक हमें इंस्टाग्राम फॉलो नहीं किया है तो लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है, वहां से हमें इंस्टाग्राम फॉलो करना भी बिल्कुल मत भूलना। सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। दोस्तों, जब से अर्तगुल गाजी सीरियल हमारे सामने आया है तब से हर बंदा यकीनन अर्तगुल गाजी के बारे में बहुत कुछ जान चुका है, और यही वजह है कि अर्तगुल गाजी के बेटों के ज़रिए से जो सल्तनत कायम की गई थी यानी सल्तनत उस्मानिया, उसके बारे में भी आज हर कोई जानने के लिए बड़ा बेताब रहता है। लिहाजा आप तमाम लोगों की फरमाइशों पर ही हमने सल्तनत उस्मानिया यानी जिसे हम द ओटोमान एम्पायर के नाम से भी जानते हैं, उसकी पूरी सीरीज शुरू की है, जिस सीरीज़ में हम आपको तमाम सुल्तानों के बारे में एक एक करके बता रहे हैं। लिहाजा उस सीरीज़ की आज ही हमारी दूसरी वीडियो है। पिछली वीडियो में हमने आपको बताया था कि किस तरह उस्मान गाजी की पूरी ज़िंदगी गुजरी, और उस्मान गाजी ने अपने बाप अर्तगुल गाजी की ख्वाहिशों को पूरा करते हुए सल्तनत उस्मानिया की बुनियाद रखी थी, और साथ ही आपको बताया था कि किस तरह उस्मान गाजी के बेटे यानी अर्तगुल गाजी के पोते ओरहान गाजी ने अपने बाप उस्मान गाजी की आखिरी ख्वाहिश को पूरा करते हुए बरसा शहर को फतह किया था, और उसी में अपने बाप उस्मान गाजी को मरने के बाद दफनाया था। तो आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे ओरहान गाजी के बारे में। अगर आपने हमारी इस सीरीज़ की पहली वीडियो नहीं देखी है तो आप जाकर देख सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में भी उस वीडियो का लिंक दे दिया गया है, आप डिस्क्रिप्शन के ज़रिए से भी उस वीडियो तक पहुंच सकते हैं। ओरहान गाजी अर्तगुल गाजी के पोते और उस्मान गाजी के सबसे छोटे बेटे थे, लिहाजा दस्तूर के हिसाब से तो उस्मान गाजी के बड़े बेटे अलाउद्दीन को उनका जानशीन यानी सल्तनत का सुल्तान बनना तय था। लेकिन वजह यह थी कि जो ओरहान गाजी के बड़े भाई और उस्मान गाजी के बड़े बेटे थे यानी अलाउद्दीन पाशा, उनकी तवज्जो ज़्यादातर दीनी मामलात में रहती थी। उन्होंने इल्मे दीन हासिल किया था और अपनी पूरी ज़िंदगी इसी पर सर्फ कर रखी थी, लिहाजा उनको ज़र्रा बराबर भी हुकूमत और सल्तनत की तरफ तवज्जो नहीं थी। लिहाजा यही वजह रही कि उस्मान गाजी ने अपने छोटे बेटे ओरहान गाजी को अपना जानशीन बनाया यानी सल्तनत का सुल्तान बनाया। क्योंकि ओरहान गाजी बहादुरी, अकलमंदी और होशियारी में अपने दादा अर्तगुल गाजी और अपने बाप उस्मान गाजी से ज़र्रा बराबर भी कम नहीं थे, वो बिल्कुल ही बहादुरी और अकलमंदी में वैसे ही थे जैसे उनके बाप उस्मान गाजी और उनके दादा अर्तगुल गाजी हुआ करते थे। अलाउद्दीन पाशा यानी उस्मान गाजी के सबसे बड़े बेटे, जिन्हें सुल्तान बनना था लेकिन वो अपनी ही मर्जी से नहीं बने थे, उन्हीं को ओरहान गाजी ने अपना जानशीन यानी अपना वज़ीर मुंतखब किया। अलाउद्दीन पाशा ही वो शख्स थे जिन्होंने सल्तनत उस्मानिया का सबसे पहला संविधान बनाया, और उन्होंने ही उस्मान गाजी के नाम के सिक्के पूरी हुकूमत में राइज कर दिए। और उसके अलावा अलाउद्दीन पाशा ही वो शख्सियत थी कि जिन्होंने सल्तनत उस्मानिया की सबसे पहली फ़ौज बनाई यानी जिसे आज हम आर्मी भी कहते हैं, क्योंकि वजह यह थी कि उससे पहले सल्तनत उस्मानिया की कोई भी फ़ौज नहीं थी, बल्कि जब भी किसी भी जगह पर जंग करने के लिए जाना होता था तो बादशाह की तरफ से ऐलान कर दिया जाता था, और लोग अपनी रजामंदी से अपनी ख्वाहिश से इकट्ठे हो जाया करते थे और जंग की तरफ निकल जाया करते थे, और जंग फतह होने के बाद जो भी माल मिलता था वही उनका मुआवजा यानी उनकी तनख्वाह हुआ करती थी, उसी को सब आपस में बांट दिया जाता था। लेकिन अलाउद्दीन पाशा ने दुनिया की सबसे पहली तनख्वाहदार फ़ौज का निज़ाम किया, और उसके बाद खैरुद्दीन पाशा नामी एक वज़ीर की ख्वाहिश पर सल्तनत उस्मानिया ने एक ऐसी स्पेशल फ़ोर्स तैयार की थी जिसे हम दुनिया की सबसे पहली स्पेशल फ़ोर्स भी कह सकते हैं। इस फोर्स के ज़रिए से सल्तनत उस्मानिया की फतह का जो सिलसिला था वो सैलाब की तरह तेज़ हो गया, दिन ब दिन बड़े से बड़े इलाके फतह होते चले गए, क्योंकि ये कोई आम फ़ौज नहीं थी बल्कि इसको बड़े ही बारीकी से ट्रेन किया जाता था। उस फ़ौज को तैयार करने का तरीका ये था कि सल्तनत उस्मानिया की पूरी सल्तनत से 10-12 साल के उन बच्चों को चुना जाता था जो दिमागी और जिस्मानी तौर पर खूब मजबूत हों,
और फिर उन्हें दीनी तालीम दी जाती थी और उनके दिलों को ईमान से मुनव्वर किया जाता था और उन्हें ऐसी ऐसी ट्रेनिंग दी जाती थी कि वो जंगों के बड़े बड़े मैदान में किसी से भी हार ना सकें। लिहाजा इस तरह हर साल हज़ार बच्चों को तैयार किया जाने लगा। देखते ही देखते कुछ ही सालों में सल्तनत उस्मानिया की ये फ़ौज इतनी अजीम फ़ौज बनकर साबित हुई कि बड़े बड़े दुश्मन इनके सामने आने से कतराते थे। उरहान गाजी ने अपनी सल्तनत के पहले ही साल यानी 1326 में यानी बरूसा शहर के फतह होने के चंद माह बाद ही ईसाइयों के एक बड़े शहर जिसे आज हम इज़मीत के नाम से जानते हैं उसको भी फतह कर लिया था और फिर 1330 में जिसे आज हम इज़मीर शहर के नाम से जानते हैं उसको भी फतह कर लिया था। ये शहर उस दौर में ईसाइयों की दूसरी सबसे बड़ी ताकत थी, यानी इस शहर का नाम इस्तांबुल के बाद पहले नंबर पर आया करता था। इसके बाद तकरीबन 20 साल तक उरहान गाजी को किसी भी जंग की ज़रूरत नहीं पड़ी, लिहाजा इसका फ़ायदा उठाते हुए उरहान गाजी ने अपनी सल्तनत के तमाम लोगों की तरक्की के लिए अपनी खिदमात अंजाम देना शुरू कर दी। उरहान गाजी ने अपनी सल्तनत को इल्मो अदब का गहवारा बना दिया। हर शहर हर गांव में मदरसे और कॉलेजेस खुलवाए और जगह जगह पर मस्जिदें कायम करवाईं। पूरी अपनी सल्तनत में अस्पतालों का एक जाल बिछवा दिया। उरहान गाजी ने अपने फतह किए हुए इलाकों में तालीम का ऐसा निज़ाम फैलाया कि वो तमाम के तमाम लोग सल्तनत उस्मानिया के रंग में रंग कर सल्तनत उस्मानिया के हमेशा के लिए एक हिस्सा बनकर रह गए। इसके बाद उरहान गाजी ने बिल्कुल भी पीछे मुड़कर नहीं देखा, लगातार बड़े से बड़े किले फतह करते चले गए। 1354 में सुल्तान उरहान गाजी के बेटे सुलेमान पाशा ने गैलीपोली के शहर को फतह कर लिया और ये उस्मानियों का यूरोपियन कंट्रीज़ में पहला कदम था। इसके बाद सल्तनत उस्मानिया ने एक के बाद एक यूरोप के एरिया में अपने शहर फतह करना शुरू कर दिए थे। इसी वजह से कहा जाता है कि उरहान गाजी ही वो शख्स था जिसके दौर में मुसलमानों ने यूरोप में अपना कदम रख दिया था और यही वजह है कि आज भी यूरोप के लोग उरहान गाजी के नाम से डरते हैं। सुल्तान उरहान गाजी के बड़े बेटे सुलेमान शाह, जिसे सुलेमान पाशा के नाम से भी जाना जाता है, वो बहुत बहादुर और बहुत होशियार थे और वही सल्तनत उस्मानिया के ताज के अगले असली हकदार थे। लिहाजा ये तय हो चुका था कि अगले सुल्तान उन्हीं को बनना है। लेकिन एक बार की बात है, वो शिकार के दौरान घोड़े से गिरकर घायल हो गए। इतने शदीद घायल हो गए कि कुछ ही दिन के बाद उनको मौत वाक़ हो गई। उनके मरने के बाद उरहान गाजी को उनका इतना गहरा सदमा लगा कि अगले ही साल उनके सदमे में उरहान गाजी भी इस दुनिया को अलविदा कह गए। लिहाजा उरहान गाजी की वफात के बाद उनको बरूसा शहर ही में दफन कर दिया गया। उनकी कब्र उनके बाप उस्मान गाजी के बराबर ही में मौजूद है। उसके बाद उनके बेटे मुराद अव्वल को उनका तख्तनशी बनाया गया, जिनके बारे में हम अगली वीडियो में बात करेंगे। वीडियो पसंद आने की सूरत में वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों अहबाब के साथ ज़रूर शेयर करें और हमारी इस सीरीज़ की अगली वीडियो देखने के लिए अभी से ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। सो गाइज, वीडियो बहुत ज़्यादा मतलब हमने उरहान गाजी के बारे में नहीं कुछ भी नहीं सुना था और आज उनके बारे में हमें बहुत कुछ जानने को मिला कि वो भी उस्मान गाजी की तरह ही थे और एर्तुरुल गाजी की तरह ही थे और उन्होंने भी बहुत कुछ मतलब बहुत जगहें मतलब जीती और हाँ। साथ में यूरोप में उन्होंने एंटर किया मतलब उससे पहले से, हाँ, हुए, उससे पहले उनका कोई भी आई डोंट थिंक सो कोई मुस्लिम नहीं था जो यूरोप पे गया हो बट उन्हीं की वजह से। बट जो इन्होंने एक और चीज बोली, जो उनके फर्स्ट चाइल्ड थे उस्मान के अलाउद्दीन, उन्हें बनना था बट वो नहीं बने। मतलब इससे पता चलता है उनके जो फर्स्ट चाइल्ड थे वो भी कितना मतलब अच्छे थे कि अगर मतलब बहुत लिया सब लोग बनना चाहते हैं, अगर किसी को मौका मिले किंग बनने का वो क्यों नहीं बनना चाहेगा। बट उन्होंने खुद स्टेप डाउन किया और उन्होंने अपने छोटे भाई को मतलब राजी हो गए उनको, बनवाने के लिए। उनको इस चीज में आई थिंक इंटरेस्ट ही नहीं था, रिलीजियस थे वो बहुत ज्यादा, उसी में इंटरेस्ट था। और गाइस हमें नहीं पता था कि उनकी डेथ हो गई थी इतना जल्दी, हमें लगा था प्रॉपर वो भी मतलब काफी टाइम तक उन्होंने रहे होंगे। एक हादसा हुआ था उसमें उनकी डेथ हो गई, फिर एक साल बाद उरहान गाजी भी मतलब इसी सदमे में उनकी डेथ हुई। बट वीडियो काफी इन्फॉर्मेटिव थी क्योंकि उरहान गाजी के बारे में ज्यादातर लोगों को नहीं पता है, ज्यादातर उस्मान और एर्तुरुल के बारे में ही पता है।
बट मुझे ऐसा लगता है कि ओस्मान गाजी के बाद आई थिंक उनकी भी सीरीज आ सकती है अगर निकालना चाहे तो, क्योंकि है ना? क्योंकि यार उन्होंने भी काफी अच्छे काम किए, मतलब उन्होंने इतनी आर्मी बोल रहे थे, आर्मी को उन्होंने प्रॉपर सैलरी दी एंड पहले उनके मतलब उससे पहले आर्मी का ऐसा कुछ वो नहीं था जैसे इन्होंने बताया कि जैसे कोई अगर लड़ाई होती थी तो लोग इकट्ठा होके फिर नॉर्मल अपना वो कर लेते थे, बट प्रॉपर आर्मी बनाना और साथ में सैलरी डिस्ट्रीब्यूट करना ये इन्होंने ही स्टार्ट किया। बहुत सारी चीजें इन्हीं के वजह से स्टार्ट हुई थी, तो वीडियो में हमें काफी कुछ मतलब पता चला इनके बारे में। मुझे तो ऐसा लग रहा है ओरहान गाजी का भी कोई सीरियल आएगा अब, है ना? क्योंकि इतना उनका भी बहुत अच्छा एक मतलब हिस्ट्री है, उनकी भी बहुत उन्होंने अचीवमेंट्स की है। So, बहुत अलग वीडियो थी और बहुत कुछ पता चला। आई डोंट थिंक सो कि बहुत सारे लोगों को इनके बारे में पता है, तो उनको ये वीडियो देखनी चाहिए और ओरहान गाजी के बारे में भी जानना चाहिए क्योंकि वो भी बहुत बहुत अच्छे एक लीडर थे। सो गाइज आप लोग बताना आप लोगों को ये वीडियो कैसी लगी। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो लाइक शेयर कमेंट जरूर करना और गाइज प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। और अगर आपने अभी तक हमें इंस्टाग्राम पे फॉलो नहीं किया है तो लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है, वहां से हमें इंस्टाग्राम पे फॉलो करना भी बिल्कुल मत भूलना। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।